भावना है क्या? आपकी भावना भावना, दूसरे की भावना भावना नहीं है। आपकी इज्जत है, दूसरे की इज्जत इज्जत नहीं है। आपके सब कुछ है, आपका आपका मंदिर, आपका भगवान, आपका इष्ट, आपकी भावना है, आपकी भावना के साथ जुड़ा है। हमारे बुद्ध जो है वो भावना के साथ नहीं जुड़े। शिवलिंग दिखाई दे गया या फुहारा दिखाई दे गया तो आप तो कह रहे हो ये शिवलिंग मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाएगी, लेकिन आप ये भी तो बता दो, इसका भी तो जवाब दो कि जब राम मंदिर की नींव की खुदाई हुई तो वहाँ बुद्ध के अवशेष निकले। आप आज तक उसका जवाब नहीं दे पाए। जो जाकर के रतनलाल, प्रोफेसर रतनलाल साहब के घर पे उनका पुतला जला रहे हैं या उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं या जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं या वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ और भी हैं जो सुनने में आई है जिनको मैं आपके चैनल पर नहीं बता सकता, तो ये कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं कि जो चाहते हैं कि नहीं बिल्कुल ख़त्म करो SC ST OBC माइनॉरिटी मुसलमानों को, ख़त्म करो, हम ही रहेंगे बस कहीं ना कहीं। रतनलाल की एक ग्रिप है समाज के बीच में, उनको लोग पसंद करते हैं, उनकी बेवाकी को पसंद करते हैं, उनके मुखर होकर के बोलने का जो अंदाज है उसको लोग पसंद करते हैं, तो इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं। तो उनकी एक फैन फॉलोइंग जो थी वो उनके साथ खड़ी हो गई। आनंद तेलतुंबड़े के साथ वैसा नहीं था। उमर खालिद एक स्टूडेंट नेता थे तो वो मुस्लिम समाज से आते, उनके साथ मुस्लिम समाज भी कभी ईमानदारी से खड़ा नहीं हुआ। तो अब मुस्लिम समाज की हक्की लड़ाई जाट शेड्यूल कास्ट तो लड़ेगा नहीं, और उसमें भी खासतौर से एक ही समाज है, चमार समाज है जो लड़ाई लड़ रहा, बाकी तो सब मंदिर और मस्जिद की लड़ाई में अटे पड़े। मुस्लिम समाज अपने लोगों की लड़ाई नहीं लड़ पाया। आजम का 27 महीने जेल में रह कर गए, किसने लड़ाई लड़ी बताओ मुझे? एक आंदोलन तक नहीं हुआ। रोज गाय के नाम पर मुसलमान मारे जा रहे हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है किसी देश के अंदर अगर राम का मंदिर तो रावण का भी मंदिर है। इसी देश के अंदर लोग गांधी को मानते तो गोडसे को भी मानते हैं। इसी देश के अंदर लोग अंबेडकर को मानते तो जगजीवन को भी मानते हैं। इसी देश के अंदर बुद्ध के बहुत बड़े लोग अनुयायी हैं तो लोग बुद्ध को गाली भी देते हैं। देखिए, मैं जिस दिन मुझे मालूम हुआ तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे बोलने का अधिकार है, जो संविधान ने हमें दिया है कि हम अपनी राय अपनी बात जो है वो रख सकते हैं, अब सरकार जो है वो बोलने वाले लोगों को का दमन कर रही है। अगर मैं देखूं कि रतनलाल ने जो पोस्ट की, रतनलाल जी की वो पूरी पोस्ट को पढ़िए, रतनलाल जी जितना मुझे मालूम है वो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, तो ऐतिहासिक बात उन्होंने कही है। और जो अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन हो उसमें फिर इस प्रकार से एक दलित प्रोफेसर के साथ में जो घटना घटी वो निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। FIR हुई उनको, जेल पुलिस ने अरेस्ट किया रात के अंधेरे में, पर ये भी नहीं बताया कहाँ लेके गए। खैर, संविधान की जीत हुई, अम्बेडकर वादियों की जीत हुई, गोडसेवादियों की हार हुई, जमानत मिली और सैकुशल वो घर पे हैं। केस चलेगा और कोर्ट तय करेगा कि क्या क्या गलत है क्या सही है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ मुझे देश की न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। और रतनलाल जैसे लोग, जो मुट्ठी भर लोग हैं हमारे जैसे, रतनलाल जैसे लोग पूरे मुल्क भर में अगर छानोगे तो 100 की संख्या नहीं बनेगी SC ST OBC माइनॉरिटी में जो वर्तमान समय में मुखर होकर के बोल रहे हैं, तो उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये रतनलाल को दबाने का प्रयास नहीं है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि रतनलाल जैसे लोग बोलेंगे तो अगला नंबर किसका है। आज रतनलाल के ऊपर FIR हुई है, आज रतनलाल को रात के अंधेरे में पुलिस उठा करके लेगी, कल को लक्ष्मण यादव हो सकते हैं, परसों को राहुल नागपाल हो सकते हैं, तरसों को सुरजीत हो सकते हैं, सत्यप्रकाश हो सकते हैं, तमाम लोग हैं। आप एक लिस्ट बनाएंगे तो मैंने बताया कि 100 के लोग पूरे देश भर में जो बोल रहे हैं, तो उन लोगों पर कभी भी कहीं भी कोई भी गाज गिर सकती है, पुलिस उठा सकती है, रोड एक्सीडेंट में मरवाया जा सकता है, बहुत सारी बातें हैं जो हो सकती हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र हमें सिखाता क्या है? लोकतंत्र में हम अपनी बात रख सकते हैं, हम एक पक्ष होता है विपक्ष होता है। आपके लिए राम जो है आपका इष्ट हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी 1971 की अगर आप जाएंगे ललित सिंह यादव बनाम स्टेट में, तो आप पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि राम एक काल्पनिक पात्र और रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है। तो वही सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा था, आप सुप्रीम कोर्ट उस समय ये भी कह रहा था और बाद में सुप्रीम कोर्ट कह रहा था रामलला जी लीगल पर्सन, तो कहीं ना कहीं आपको समझना। तमाम लोग कह रहे हैं भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, नहीं तो भावनाओं को, भावना जो है उस देश के अंदर सिर्फ 15% लोगों के पास रह गई है। ये जो समण समाज अपने आप को कह रहा है इसी की भावना रह गई है, बाकी तो किसी की भावना है ना, इज्जत है। दलित समाज के लोग रोज जो मुँह छोके रखने पर मारे जा रहे हैं। कल की घटना है कि एक मेघवाल लड़के को राजस्थान में उसका गुप्तांग काट करके उसकी हत्या कर दी गई और तमाम दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, दलितों की बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, दलित अफसरों की CR खराब हो रही है, तो उनकी तो कोई भावना है नहीं। भावना तो 15% लोगों की रह गई है, इन्हीं की भावना है, बाकी तो सब लोग पागल है ना। तो भावना, ये भावना का नाम देकर के भावना को ठेस पहुंचाई तो पहले बता दो भावना की परिभाषा क्या है। भावना है क्या? आपकी भावना भावना, दूसरे की भावना भावना नहीं है। आपकी इज्जत है, दूसरे की इज्जत इज्जत नहीं है। आपके सब कुछ है, आपका आपका मंदिर, आपका भगवान, आपका इष्ट, आपकी भावना है, आपकी भावना के साथ जुड़ा है। हमारे बुद्ध जो है वो भावना के साथ नहीं जुड़े। आपको अगर कहीं शिवलिंग दिखाई दे गया या फुहारा दिखाई दे गया तो आप तो कह रहे हो ये शिवलिंग मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाएगी, लेकिन आप ये भी तो बता दो, इसका भी तो जवाब दो कि जब राम मंदिर की नींव की खुदाई हुई तो वहाँ बुद्ध के अवशेष निकले। आप आज तक उसका जवाब नहीं दे पाए। बताओ ना, अगर वहाँ राम मंदिर था तो वहाँ पर बुद्ध के अवशेष क्यों निकले? आपने उन पर बुलडोजर चलवा दिया, सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग गए, सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोगों को फटकार लगाई गई। तो आप समझिए कि चाहे न्यायपालिका हो चाहे कुछ हो, सब दबाव में काम कर रहा है देश में। तो भावना जो है, भावना तो सबकी है, लेकिन ये 15% लोगों की जो भावना है वो ज़्यादा आजकल आहत हो रही है, क्योंकि सरकार उनकी है,
जज उनके हैं, वकील उनके हैं, सिस्टम उनका है, शासन प्रशासन उनका है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उनके हैं, तो सब कुछ उनका है। तो उनकी भावना पर वो जरा सा कहीं कुछ कर दें, वो कहते ना कि लोग हम कत्ल करके, क्योंकि एक शेर है उर्दू का कि लोग कत्ल करके भी बदनाम नहीं होते, हाँ भरते तो हो जाते हैं बदनाम। तो वो कत्ल करने के बावजूद ही हमारी बहन बेटी और हमारा वो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, और अगर हम आहा भी भर देते तो हमारे ऊपर FIR हो जाती है रतनलाल जैसे लोगों के ऊपर। तो ये वर्तमान समय में चल रहा है। लेकिन सर, जमानत मिलने के बाद कल कुछ 10-20 लोग जाते हैं, लड़के जाते हैं गुंडे टाइप के, उनमें कुछ पिछले वर्ग के भी होते हैं, और वो जाकर बवाल करते हैं रतनलाल के घर के सामने, पुतला जलाते हैं, हंगामा करते हैं। देखिए, ये वही लोग हैं जिनको ना तो संविधान में विश्वास है, ना लोकतंत्र में विश्वास है, ना न्यायपालिका में विश्वास है। चलो मैं न्यायपालिका की, जब न्यायपालिका ने उनको जमानत दे दी तो फिर डिसीजन का इंतजार करना चाहिए। अब ये उससे भी ज़्यादा समझदार, कोर्ट से भी ज़्यादा समझदार लोग कौन से हैं जो जाकर के रतनलाल, प्रोफेसर रतनलाल साहब के घर पे इस प्रकार का क्या नाम है, उनका पुतला जला रहे हैं, या उनके खिलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं, या जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो सुनने में आई है, जिनको मैं आपके चैनल पर नहीं बता सकता। तो ये कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं कि जो चाहते हैं कि नहीं, बिल्कुल ख़त्म करो SC ST OBC माइनॉरिटी मुसलमानों को, ख़त्म करो, हम ही रहेंगे बस कहीं ना कहीं। इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है तो हमको समझना चाहिए। दिल्ली में कहा जाता है कि आदमी सबसे ज़्यादा सुरक्षित दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े सीनियर प्रोफेसर के आवास पर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो फिर आम लोगों का क्या होगा? और ये जो कुछ गुंडे किस्म के लोग पत्रकारों से बदतमीजी हो रही है, आप ही जो गुंडे किस्म के लोग हैं जो बाहर से आए, बड़ी जैसे आपने बताया थार, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आए और वहाँ जाकर के उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम दिया, तो ये हमको सोचना चाहिए। और ये देश के नेताओं को सोचना चाहिए, देश को लेकर के किधर जा रहे हो? इस देश का युवा जो भटक रहा है, जो अपने रास्ते से भटक गया, ये वापस कभी लौटेगा 10 साल में 5 साल में तो फिर इनसे सवाल करेगा, जब इसकी उम्र निकल जाएगी, जब इसकी नौकरी नहीं मिलेगी, तब ये ओवरएज हो जाएगा, तब इसके पास में कुछ बचेगा नहीं, तब कहेगा कि धर्म खाने को नहीं दे रहा, खाने के लिए तो नौकरी देती हूँ, नौकरी सरकार के पास थी नहीं, सरकार ने हमें गलत जगह पर लगा दिया। लेकिन इस देश में तो लोग तमाम अपनी आस्था भावनाएं रखते हैं, कोई कुत्ते को पूछता, कोई घोड़े को पूछता, कोई बंदर को पूछता, तो यहाँ तो सबकी फिर आस्थाएं भावनाएं ठेस लगेंगे। देखिए, हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है, किसी देश के अंदर अगर राम का मंदिर है तो रावण का भी मंदिर है, इसी देश के अंदर लोग गांधी को मानते हैं तो गोडसे को भी मानते हैं, इसी देश के अंदर लोग अंबेडकर को मानते हैं तो जगजीवन को भी मानते हैं, इसी देश के अंदर बुद्ध के बहुत बड़े लोग अनुयायी हैं तो लोग बुद्ध को गाली भी देते हैं। यही इस देश की खूबसूरती है, इन्हीं तमाम लोगों ने आपस में इस लोकतंत्र को मजबूत रखा है। लेकिन अब एक खास विचारधारा के लोग, एक खास प्रकार के लोग जो हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ना बुद्ध चाहिए, ना महावीर चाहिए, ना नानक चाहिए, ना रैदास चाहिए, ना कबीर चाहिए, ना फूले चाहिए, ना अम्बेडकर चाहिए, ना अपना क्या नाम है ईसा मसीह चाहिए, ना हमको दयानंद सरस्वती चाहिए, ना हमको मोहम्मद साहब चाहिए, ना कोई दूसरा पैगंबर चाहिए, हमको सिर्फ राम चाहिए, कृष्ण चाहिए, रहीम चाहिए, ये चाहिए, ताकि हम हिंदू धर्म, हिंदुत्व के आधार पर हिंदू राष्ट्र देश को बना सके, जो असंभव है। लेकिन वो प्रयासरत थे, अपना काम कर रहे हैं, BJP इसी काम के लिए आई थी, वो काम अपना कर रही है, उससे और जो दूसरे लोग जिस काम के लिए आए थे वो लोग अपनी ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे, तो BJP अपना काम ईमानदारी से कर रही है और उसी काम के लिए आए थे। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि तमाम इस प्रकार के जो एक्टिविस्ट हैं वो अभी जेल में बंद हैं, लेकिन रतनलाल देखिए जिन प्रोफेसर का नाम, चाहे आनंद तेलतुंबड़े का नाम आपने लिया और बहुत सारे लोगों का नाम लिया, वो स्टार्टिंग दौर के लोग थे, तब समाज उतना जागरूक, मतलब जागरूक तो था लेकिन उनको इस बड़ा विश्वास था कानून के ऊपर कि चलो चले गए थोड़े दिन में वापस आ जाएंगे, उनको ये पता नहीं था कि नहीं लंबे लाद दिए जाएंगे। लेकिन रतनलाल तक आते आते हम लोग जागरूक हो गए, हमको पता हुआ कि अगर रतनलाल के मामले में हम लोग ढीले हो गए तो रतनलाल को भी फिर लंबा लाद दिया जाएगा और हम लोग फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए समाज में एक यूनिटी बनी, और चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के जितने भी एक्टिविस्ट थे, सबने ट्वीट किए, सबने लिखा, सोशल मीडिया पर लिखा, फेसबुक पर लिखा, आंदोलन हुआ सड़कों पर, सिर्फ इसलिए कि उनको पता था कि अगर अब भी हम खामोश रहे तो कहीं हम दोबारा एक आनंद तेलतुंबड़े न बन जाएं, दोबारा उमर खालिद न बन जाएं। तो रतनलाल के पीछे समर्थन था और रतनलाल की एक क्वालिटी थी, है उनके अंदर आज भी क्वालिटी, वो बोलते हैं, उनका एक अम्बेडकर नामा चैनल चलता है जिस पर वो आए दिन बाबा साहब की कोटेशन को लेकर के, बाबा साहब ने किस किताब में क्या लिखा है। तो रतनलाल की एक ग्रिप है समाज के बीच में, उनको लोग पसंद करते हैं, उनकी बेवाकी को पसंद करते हैं, उनके मुखर होकर के बोलने का जो अंदाज है उसको लोग पसंद करते हैं, तो इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं, तो उनकी एक फैन फॉलोइंग जो थी वो उनके साथ खड़ी हो गई। आनंद तेलतुंबड़े के साथ वैसा नहीं था, उमर खालिद एक स्टूडेंट नेता थे तो वो मुस्लिम समाज से आते, उनके साथ मुस्लिम समाज भी कभी ईमानदारी से खड़ा नहीं हुआ। तो अब मुस्लिम समाज के हक की लड़ाई जाट शेड्यूल कास्ट तो लड़ेगा नहीं, और उसमें भी खासतौर से एक ही समाज है, चमार समाज है जो लड़ाई लड़ रहा, बाकी तो सब मंदिर और मस्जिद की लड़ाई में अटे पड़े। तो उमर खालिद के साथ जो सबसे बुरा हुआ, जैसे मैं नाम लेकर नाम नहीं लेना चाहता, कांग्रेस में बड़े शायर हैं, उनके ऊपर बड़ा आरोप लगा के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है कि जी उन्होंने उमर खालिद के नाम पे, या जो एक लड़का नजीर मर गया था उसके नाम पे बड़ी फंडिंग विदेशों से की, बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन लोग ईमानदारी से लड़ाई नहीं लड़ पाए, मुस्लिम समाज अपने लोगों की लड़ाई नहीं लड़ पाया। आजम का 27 महीने जेल में रह कर गए, किसने लड़ाई लड़ी बताओ मुझे, एक आंदोलन तक नहीं हुआ, रोज गाय के नाम पर मुसलमान मारे जा रहे हैं, एक कैंडल मास्टर निकल, ज़्यादा जागरूक है दलित, बिल्कुल है,
अगर मुसलमान से ज़्यादा जागरूक नहीं होता तो एक दिन में दो अप्रैल 2018 को रोड पर उतर करके अपने SC एट्रोसिटी एक्ट जो था उसको बहाल करवा लेते, तेरे लोग ही तो मारेंगे। लेकिन सरकार एक दिन से रतन लाल को बाहर करा लिया, फिर हमने क्या नाम है 13 पॉइंट रोस्टर पर सरकार को झुका दिया, 2 अप्रैल में सरकार को झुका दिया, रतन लाल वाले मामले पर सरकार को झुका दिया। तो ऐसा नहीं है, हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं, लेकिन हमारी यूनिटी या अम्बेडकरवादियों की जो नीले गमछे की यूनिटी है ये बड़ी मजबूत है। और सरकार अगर देश के अंदर किसी से डरती है ये सच है, तो वो सिर्फ अम्बेडकरवादी रतन लाल को छुटाने के लिए 500 वकील कोर्ट पहुंचे।